बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 12.6 स्टार्ट करते हैं। तो 12.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है, सॉल्व ईच इक्वेशन गिवन जनरल सॉल्यूशन। नंबर 1 हमारे साथ हर इक्वेशन सॉल्व करना है और जनरल सॉल्यूशन मालूम करना है। पहला इक्वेशन हमारे साथ है cos x is equal to अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से x मालूम करने के लिए इसका इस साइड का भी cos इनवर्स लेता हूँ। cos इनवर्स ऑफ cos x is equal to cos इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 3 बाय 2। इधर cos इनवर्स cos x ख़त्म हो जाएगा तो x हमारे साथ आ जाएगा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर द रूट 3। ये अंडर रूट 3 पॉजिटिव है तो हमारे साथ cos या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है या फोर्थ कोऑर्डिनेट में। हमारे साथ cos 30 बराबर है cos 30 या cos pi by 6, ये बराबर है अंडर द रूट 3 बाई 2। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे साथ अब cos 150 इज इक्वल टू cos 5 डिवाइड बाई 6, ये हमारे साथ अंडर द रूट 3 बाई 2 के बराबर है, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में cos माइनस है। ठीक है, इस तरह थर्ड कोऑर्डिनेट में cos 210, मतलब ये एंगल भी 30 है, ये एंगल भी 30 है cos 210, टोटल 210 बन गई है इज इक्वल टू cos 7π डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 2 डिवाइड बाय 2। माइनस इसलिए कि फोर कोऑर्डिनेट पे cos हमारे साथ माइनस है और ये 30 और टोटल हमारे साथ cos 330 इज इक्वल टू cos 330 हमारे बराबर है 11π डिवाइड बाय 6 का, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 बाय 2। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ cos एज अ, इधर हमारे साथ x आ जाएगा cos इनवर्स अंडर द रूट 3 बाय 2। तो cos इज पॉजिटिव either in first coordinate or in fourth coordinate, so x is equal to cos inverse under the root 3 by 2 का वैल्यू हमारे साथ 5/6 होगा और यह हमारे साथ 11π डिवाइड बाय 6 होगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे साथ है पाई डिवाइड बाय 6 प्लस 2k π यूनियन 11π डिवाइड बाय 6 प्लस 2k π। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्यूशन के पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन हमारे साथ मालूम हो गया, जो कि बराबर है पाई बाई 6 प्लस 2k π और प्लस 11π/6 प्लस 2k π। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन खत्म करने के लिए इस साइड का भी हम साइन इनवर्स लेते हैं और इस साइड का भी साइन इनवर्स लेते हैं। तो साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स आप 1/2। अब साइन हमारे साथ या पॉजिटिव है, साइन इज
either positive in first coordinate or in second coordinate. या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा या सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा. ठीक है, सारे की ग्राफ में बनाता हूँ. इधर थर्टी डिग्री, थर्टी मतलब साइन पाई बाई सिक्स, ये हमारा बराबर है वन बाई टू का. इधर जब थर्टी बनाता है तो टोटल बनती है 150, तो साइन 150 या 5 डिवाइड बाई 6 समाधान बनती है 1/2 का. इधर ये 30 है, ये एंगल भी 30 है और टोटल साइन 210 है. 210 समाधान है 7π डिवाइड बाई 6, ये समाधान बराबर है -1/2 का. माइनस इसलिए कि साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है. और इधर ये 30 डिग्री साइन 330 मतलब साइन 11π डिवाइड बाई 6 वो हमारे बराबर है -1/2. माइनस इसलिए कि शायद हमारे साथ फोर कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है. तो हमारे साथ अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी या पाई बाई 6 या 5π डिवाइड बाई 6. तो सॉल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 6 प्लस 2kπ. 2kπ इसलिए लिखता हूँ कि 2π इसका फेरेड है, साइन का फेरेड है. यूनियन 5π डिवाइड बाई 6 प्लस 2kπ. ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया. अब मैं पार्ट नंबर 3 की तरफ जाता हूँ. तो 3 हमारे साथ है टेंजेंट x इज इक्वल टू -√3. टेंजेंट x इज इक्वल टू -√3. तो बोथ साइड का टेंजेंट इनवर्स लेता हूँ. टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3. टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट खत्म हो जाएगा तो x हमारे साथ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3. अब टेंजेंट v टू माइनस हमारे साथ या सेकंड कोऑर्डिनेट में या फोर्थ कोऑर्डिनेट में. टेंजेंट इज नेगेटिव आइदर इन सेकंड कोऑर्डिनेट और इन फोर्थ कोऑर्डिनेट. तो टेंजेंट में हमारे साथ टेंजेंट 60, हमारे साथ टेंजेंट 60 मतलब टेंजेंट पाई बाई 3, ये हमारे साथ बराबर है √3 का. इस तरह टेंजेंट 240, टेंजेंट 120, ये 60 है और ये टोटल इधर से 120 बनती है. तो टेंजेंट 2π डिवाइड बाई 3, ये हमारे साथ बराबर है -√3 का. ठीक है, अब टेंजेंट ये भी 60 है मतलब ये टोटल बनती है टेंजेंट 240. टेंजेंट ये बनती है π/4π/3, ये बनती है √3. अब इधर ये भी 60 है मतलब टेंजेंट 4π/3 और ये 300 बनती है. 300 मतलब ये 5π/3 इज इक्वल टू √3. इसकी वैल्यू माइनस है तो हमारे साथ इधर माइनस है और सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस है. तो यदि ये माइनस है तो x की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 2π/3 और 5π/3. तो सॉल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा 2π/3 प्लस kπ
our union 5 pi by 3 plus k pi. स्टेनिंग का पीरियड हमारे साथ पाई है, where k belong to integer. ये लिखना जरूरी है, where k belong to integer. ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया. ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं. तो 4 हमारे साथ है cos 2 theta minus pi by 2 cos 2 theta minus pi by 2 is equal to minus 1. तो ये cos alpha minus beta से मैं ओपन करता हूँ, मतलब cos 2 theta cos pi by 2 और plus sin 2 theta sin pi by 2 is equal to minus 1. cos pi by 2 0 के बराबर है, तो ये टर्म हमारे साथ 0 हो जाएगा, और प्लस sin 2 theta is equal to और sin pi by 2 1 के बराबर है is equal to minus 1, या sin 2 theta is equal to minus 1, या 2 theta is equal to sin inverse of minus 1. ठीक है, तो sin inverse of minus 1 हमारे साथ 270 से आती है, मतलब इधर पाई में हमारे साथ ये वैल्यू, इधर अगर साइन आ जाए तो साइन 270, साइन 270 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1. इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 हमारे साथ बराबर है 3 पाई बाई 2 का, 3 पाई बाई 2, और इसके साथ जो भी लिखता हो इसका रेंज प्लस 2 के पाई प्लस 2 के इसका पैरेट. ठीक है, तो थीटा बोथ साइड डिवाइड बाय 2, तो थीटा मेरे साथ आ जाएगा 3 पाई बाय 4 और प्लस इसको भी 2 भी डिवाइड करो तो ये के पाई आ जाएगा. तो सॉल्यूशन सिर्फ मेरे साथ बन जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस के पाई. ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 ये हमारे साथ कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 4. तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया, क्योंकि बराबर है 3 पाई बाय 4 प्लस के पाई. ठीक है, वेयर के इज अ वेयर के बिलोंग टू इंटीजर. ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं. तो 5 में हमारे साथ सेकंड 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू सेकंड 3 थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, तो इससे कंड 3 थीटा बाय 2 में लिख सकता हूँ 1 ओवर cos 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2, या इसका भी रेशियो प्रयोग कर लो तो इसका भी लेता हूँ, तो cos 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2, या 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ये माइनस 1 ओवर इसका रेशियो प्रयोग करा, ये माइनस 2 हो गया, तब इसका मीन रेशियो ले ले तो इसका भी रेशियो प्रयोग कर लूंगा. ठीक है, तो माइनस 1 बाय 2 हो गया, 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, दोनों साइड का cos इनवर्स लेता हूं तो 3 थीटा बाय 2 आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 ओवर 2. ठीक है, तो cos इनवर्स माइनस 1 ओवर 2 ये हमारे साथ आता है 3 थीटा बाय 2. cos में हमारे साथ cos में हमारे साथ दो वैल्यू है जिससे हमारे साथ माइनस 1 बाय 2 आता है. ठीक है, इधर मेरे साथ cos 60 cos वाले ग्राफ ये है cos 60 और ये माइनस है cos 60 या cos pi बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2. ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में इधर जब ये एंगल 60 हो जाए, ठीक है, तो ये मैं इधर लिखता हूँ cos 120 इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस है, और इस क्वाड्रेंट में मेरे साथ ये आएगा cos ये cos 210 में ये cos 240 होगा, cos 240 इज इक्वल टू
कॉज ऑफ टू फूड यूनिवर्सल बराबर है थ्री पाई बाई टू का, थ्री पाई बाई कॉज टू फूड की, फोर पाई बाई थ्री का, फोर पाई बाई थ्री को इजी टू माइनस वन बाई टू, और इस फोर कोऑर्डिनेट में कॉज 300 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 5 5 बाई 3, ठीक है 5 बाई 3 60 आता है, 60 में डिवाइड बाई 5 से फाइव बाई थ्री से हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाई 300, ये 300 है ठीक है, तो ये हमारे साथ 1/2 के बराबर है, तो माइनस 1/2 हमारे साथ माइनस 1/2 से थर्ड कोऑर्डिनेट में और सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 ये हमारे साथ बराबर है 2π/3 प्लस 2kπ, इसके साथ इसका पीरियड लिखता है, और दूसरा 7π/6 प्लस 2kπ, ठीक है 2π/3 प्लस 2kπ और प्लस 7π/6 प्लस 2kπ, ठीक है। अब इससे मैं थीटा मालूम करता हूँ, ठीक है, ये मेरे साथ अगर इससे मैं थीटा मालूम करता हूँ तो इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 2/3 से और इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा थीटा, ये मेरे साथ आ जाएगा 4π/9 प्लस 4kπ डिवाइड बाई 3, और ये मेरे साथ आ जाएगा ये 3 है 14π डिवाइड बाई 3 6 18 या 2 1 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा 7π डिवाइड बाई 9 और प्लस 4kπ डिवाइड बाई 3, तो सॉल्यूशन शीट मेरे साथ बन जाएगा 4π/9 4π/9 प्लस 4kπ/3 और 7π/9 प्लस 4kπ/3, ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है 4π/9 और दूसरा हमारे साथ ये दोबारा मैं चेक करता हूँ, ये वाला मेरी सही लिखा है 1/2, ये मेरे साथ साइन कॉस कॉस 240 है ये 7π/6 नहीं है बल्कि ये 4π/3 ये वाली भी लिखूँ कॉस 4π/3, तो इधर मेरे साथ ये 7π नहीं रखी, ये 4π/3 है, ये 2/3 है, ये 4π है डिवाइड बाय 3, तो ये 4 2 8 आ जाएगा और 3 3 9 8π/9, ठीक है, इधर वीडियो मैंने गलत लिखी थी 8π/9 प्लस 4kπ डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 है 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 या cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4 बोथ साइड डिवाइड बाय 4, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड तो cos x हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, तो cos x हमारे साथ बराबर होगा 1/2 का या cos x बराबर होगा माइनस 1/2 का, तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 और x इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2, तो ये सारी वैल्यूज इधर मैंने ग्राफ में मालूम की है, 1/2 वाली भी 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और 1/2, तो पहले वाले 1/2 वाले हैं, तो 1/2 वाला एक 5/3 है और एक
फोर पाई बाई थ्री, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री अवर फोर पाई बाई थ्री, और माइनस वन बाई टू वाले सेकंड कोऑर्डिनेट वाले हैं ये वाले, तो टू पाई बाई थ्री अवर फोर पाई बाई थ्री, ये फोर पाई बाई थ्री नहीं, ये मैंने गलत लिखा है, ये वाला लिखना चाहिए फाइव पाई बाई थ्री, ये फाइव फाइव पाई बाई थ्री और माइनस वाले ये दो वाले सेकंड कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट में, टू पाई बाई थ्री अवर फोर पाई बाई थ्री अवर फोर पाई डिवाइड बाई थ्री, तो सोल्यूशन सिर्फ हमारे साथ आ जाएगा पाई बाई थ्री प्लस टू के पाई यूनियन फाइव फाइव बाई थ्री प्लस टू के पाई यूनियन टू पाई बाई थ्री प्लस टू के पाई और फोर पाई बाई थ्री प्लस टू के पाई, ठीक है। तो हमारे साथ इसका सलूशन मालूम हो गया फाइव बाई थ्री फाइव पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री और फोर पाई बाई थ्री, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू हमारे साथ है सॉल्व ईच इक्वेशन यूज एग्जैक्ट वैल्यू एंड द गिवन इंटरवल साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। पहला इक्वेशन है दो नंबर में साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो और इंटरवल क्या है एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन आर इक्वल टू 360, ठीक है। तो साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब यह है कि आइदर साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो आर कॉस एक्स इज इक्वल टू, या साइन एक्स जीरो होगा या कॉस एक्स जीरो होगा। तो साइन एक्स जीरो का मतलब ये कि एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स आर जीरो और कॉस एक्स जीरो का मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर जीरो, ठीक है। तो साइन इनवर्स आर जीरो हमारे साथ साइन जीरो यहाँ पे ये कॉस वाला ये वाला साइन जीरो हमारे साथ जीरो के बराबर है और साइन पाई हमारे साथ जीरो के बराबर, मतलब जीरो और पाई आ जाएगा, इसका आंसर एक्स हमारे साथ आ जाएगा जीरो और पाई, या एक्स हम लिख सकते हैं जीरो के पाई, के पाई मतलब इसमें दोनों आते हैं के हमारे साथ इंटीजर है, इसकी जगह अगर मैं जीरो पुट कर लूँ तो इससे जीरो आएगा, अगर वन पुट कर लूँ तो पाई, अगर टू पुट कर लूँ तो टू पाई, ठीक है। तो इसमें सारे वीडियो अगर माइनस वन पुट कर लो माइनस पाई, ये सारे हमारे साथ जीरो आएंगे, अगर x = cos इनवर्स 0 तो cos इसमें हमारे साथ cos में हमारे साथ एक cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 0 के बराबर है और इधर मेरे साथ cos 3 पाई बाय 2 0 के बराबर है, मतलब इससे आएगा पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, तो सॉल्यूशन सेट मेरे साथ बन जाएगा k पाई यूनियन पाई बाई टू प्लस टू के पाई यूनियन थ्री पाई बाई टू प्लस टू के पाई वियर k बिलोंग टू इंटीजर्स। तो क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट वन हमारे साथ सॉल्व होगा। पार्ट टू हमारे साथ है साइन एक्स कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो और इंटरवल वही है एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन आर इक्वल टू टू पाई, तो ये मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स और कोटेंजेंट में लिख सकता हूँ कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसी इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि साइन एक्स सो साइन एक्स विल बी सो कॉस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, साइन एक्स जीरो नहीं हो सकता, साइन एक्स नीचे अगर साइन एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए तो इन्फिनिटी आता है फिर डिफाइन नहीं होगा, सो कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो बिकॉज साइन एक्स
नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं हो सकता, फिर हमारे साथ इन्फिनिटी आता है। तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, तो ये पहले मैंने पहले प्रॉब्लम में बता दिया कि कॉस इनवर्स ऑफ जीरो इसका पाई बाई टू है, ग्राफ से क्लियर है, और थ्री पाई बाई टू, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट मेरे साथ बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा पाई बाई टू प्लस टू के पाई यूनियन थ्री पाई बाई टू प्लस टू के पाई, ठीक है। तो पार्ट नंबर टू हमारे साथ साइन हो गया, और इसके इसके साथ अगर टू के पाई हमने भी लिख ले तो फिर भी जरूरत नहीं है, पाई बाई टू लिख ले और थ्री पाई बाई टू तो भी काफी है, क्योंकि इधर हमारे साथ इस इंटरवल में लिखना है, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं लिख लो सोल्यूशन सिर्फ मैं लिख लो पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू, ये दो, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ काफ़ी है, टू के पाई की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारे साथ इस रेंज में सोल्यूशन हमने निकालना है। पार्ट नंबर थ्री, सेकंड एक्स माइनस टू एन टू टू साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, अवर रेंज इस रेंज में सोल्यूशन मालूम करना है, ठीक है। तो इससे मैं लिख सकता हूँ, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ सेकंड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो या टू साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ सेकंड एक्स इज इक्वल टू टू, और ये लिख सकता हूँ टू साइन एक्स इज इक्वल टू वन, ये मैं लिख सकता हूँ वन ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू टू, और ये मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, वन ओवर कॉस टू के बराबर है, इसका मतलब कि कॉस एक्स हमारे साथ वन बाई टू के बराबर होगा और साइन एक्स वन बाई टू, इसका अगर मैं एक्स मालूम करता हूँ तो कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई टू, और इधर एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू, ठीक है। तो हमारे साथ कॉस में हम इधर मालूम किया कॉस में ये हमारे साथ कॉस है वन बाई टू प्लस वन बाई टू, हमारे साथ पहले कोऑर्डिनेट में आता है पाई बाई थ्री से, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है फाइव पाई बाई थ्री, मतलब इसका आंसर है फाइव पाई पाई बाई थ्री और फाइव पाई बाई थ्री, ठीक है। और साइन इन वन बाई टू हमारे साथ आता है पाई बाई टू से, सर इसका हमारे साथ आता है पाई बाई टू से, साइन इनवर्स वन बाई टू पाई बाई टू से नहीं बल्कि पाई बाई सिक्स से और फाइव पाई बाई सिक्स से, ठीक है, फाइव बाई सिक्स से और फाइव फाइव डिवाइड बाई सिक्स, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ गया फाइव बाई थ्री फाइव फाइव बाई थ्री फाइव बाई सिक्स और फाइव फाइव बाई सिक्स, ठीक है। तो पार्ट नंबर थ्री हमारे साथ सॉल्व हो गया, पार्ट नंबर फोर हमारे साथ है कोसेकंड एक्स माइनस टू एंड टू टू कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। पार्ट नंबर फोर कोसेकंड एक्स माइनस टू एंड टू टू कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर कोसेकंड एक्स कोसेकंड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और टू कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो कोसेकंड एक्स इज इक्वल टू टू और टू कॉस एक्स इज इक्वल टू वन, या कोसेकंड में लिख सकता हूँ वन ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू टू अवर कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, या लिख सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू अवर कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, या एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स
ऑफ 1 by 2 और x is equal to cos inverse ऑफ 1 by 2. तो sin inverse ऑफ 1 by 2 मैंने आपको इधर बता दिया 5 by 6 और 5 by 6 से आता है 5 by 6 और 5 by 6 और cos inverse 1 by 2 हमारे साथ वन नोटिस हमारे साथ cos में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है 5 by 3 और फोर कोऑर्डिनेट में है 5 by 3. तो हमारे साथ ही सॉल्यूशन सेट आ गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का. ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन 3 पार्ट 3 और 4 हमारे साथ सेम थे. सॉल्यूशन सेट हमारे साथ बन जाएगा 5 by 6 5 by 6 5 by 3 और 5 by 3. ठीक है, उसके साथ 2 के पाई हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि इधर हमें रेंज गिवन है कि इस रेंज में आप सॉल्यूशन मालूम कर ले फ्रॉम 0 to 2 पाई. इस रेंज में आप सॉल्यूशन मालूम कर ले इसलिए उसके साथ हम 2 के पाई नहीं लिखे उस पीरियड में. ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं. फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. नंबर 1, साइन cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बोथ साइड डिवाइड बाय cos थीटा. तो cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. sin बटा cos से हमारे साथ टेंजेंट आता है और cos बटा cos से हमारे साथ 1 आता है या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1. ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हमारे साथ 45 डिग्री से आता है. 45 मतलब टेंजेंट 45 हमारे साथ 1 के बराबर होता है. इसका मतलब ये है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हमारे साथ 45 के बराबर होगा 5 बाई 4 का. इस तरह 45 को मैं डबल 45 मतलब टेंजेंट इनवर्स 135 ये हमारे साथ माइनस 1 के बराबर है 135. ठीक है, मतलब टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस 1 हमारे साथ बराबर है 135 का. ठीक है, इस तरह टेंजेंट इनवर्स ऑफ 225. ठीक है, 225 में लिख सकता हूँ 5 बाई 4 से 45 आता है और इसको अगर मैं फाइव से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 by 4 से 225 आता है. 45 मल्टीप्लाई बाई फाइव 22. ठीक, एग्जैक्टली यही आता है. ठीक है, तो ये हमारे साथ 1 के बराबर है. मतलब कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 5 by 4 और 5 by 4 के बराबर है. मतलब थीटा की वैल्यू हमारे साथ 1 का 5 by 4 आ जाएगी और 1 हमारे साथ 5 by 4. अब इसका सोल्यूशन सेट में किस तरह लिखूंगा, टेंजेंट है तो 5 by 4 प्लस के पाई यूनियन 5 by 4 प्लस के पाई वियर के बिलोंग टू इंटीजर्स. ठीक है, के बिलोंग टू इंटीजर्स. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा था पार्ट 1 सॉल्व हो गया. ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं. टू हमारे साथ है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा ये मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और ये इस साइड पे आ जाए तो माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0. इसमें साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा एन टू 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आर 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0
और इससे हमारे साथ आ जाएगा वन ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टू, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, या इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये कॉस थीटा है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन ओवर टू, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ जीरो हमें पता है जीरो के बराबर है और पाई के, मतलब जीरो से मैंने आपको बताया साइन जीरो से जीरो आता है और साइन पाई से जीरो आता है, तो जीरो और पाई आ गया, इसको मैं के पाई भी लिख सकता हूँ, के पाई, ठीक है। और इधर मेरे साथ कॉस इनवर्स माइनस वन ओवर टू, कॉस इनवर्स माइनस वन ओवर टू हमारे साथ टू पाई बाई थ्री से आता है, मतलब इसका एक आंसर टू पाई बाई थ्री है, और दूसरा माइनस वन बाई टू कॉस में फोर बाई थ्री से आता है, फोर पाई बाई थ्री से, फोर पाई बाई थ्री से, तो सोल्यूशन से मेरे साथ आ जाएगा के पाई यूनियन टू पाई बाई थ्री प्लस टू के पाई और यूनियन फोर पाई बाई थ्री प्लस के पाई। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में पार्ट टू हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर थ्री की तरफ जाते हैं, तो थ्री हमारे साथ है साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड, मैं लिख सकता हूँ वन ओवर साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड तो साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस वन, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा या हमारे साथ वन के बराबर होगा और या साइन थीटा माइनस वन के बराबर होगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन, ठीक है। वन हमारे साथ साइन पाई बाई टू से आता है, साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू वन और साइन थ्री पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब थीटा हमारे साथ आ जाएगा पाई बाई टू और इधर थीटा हमारे साथ आ जाएगा थ्री पाई बाई टू, तो सोल्यूशन सीट हमारे साथ बन जाएगा पाई बाई टू प्लस टू के पाई अवर यूनियन थ्री पाई बाई टू प्लस टू के पाई, ठीक है। तो हमारे साथ हम पार्ट नंबर थ्री सॉल्व हो गया, ठीक है, ठीक है। और के हमारे साथ वेयर के बिलोंग टू इंटीजर्स, पार्ट नंबर फोर हमारे साथ है फोर का स्क्वायर थीटा बाई टू, फोर का स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये मैं लिख सकता हूँ फोर का स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू थ्री, या बोथ साइड डिवाइड बाई फोर तो का स्क्वायर थीटा बाई टू आ जाएगा थ्री बाई फोर, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, इसका भी अंडर रूट ले लें, इसका भी अंडर रूट ले लें, तो इससे हमारे साथ कॉस थीटा बाई टू आ जाएगा और ये मेरे साथ आ जाएगा अंडर द रूट थ्री डिवाइड बाई टू प्लस माइनस अंडर द रूट थ्री डिवाइड बाई टू, तो हमारे साथ कॉस थीटा बाई टू के दो वैल्यू आ जाएंगे, कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू प्लस अंडर द रूट थ्री बाई टू और कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट थ्री बाई टू, तो थीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आप अंडर द रूट थ्री बाई टू और थीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस अंडर द रूट थ्री बाई टू। अब कॉस से प्लस वैल्यू कब आती है, थीटा बाई टू इज इक्वल टू अंडर द रूट थ्री बाई टू, तो अंडर द रूट थ्री बाई टू प्लस हमारा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई सिक्स और फोर में इलेवन पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स और इसके साथ में टू के पाई लिखता हो, ठीक है, क्योंकि इधर थीटा बाई टू है, और दूसरा एलेवन पाई बाई सिक्स प्लस टू के पाई, इसी तरह इधर थीटा बाई टू माइनस कब आता है, माइनस हमारे साथ सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू फाइव पाई बाई सिक्स आता है, फाइव फाइव बाई सिक्स प्लस टू के पाई, अब
माइनस अंडर रूट 7 पाई बाई सेक्शन प्लस 2k पाई। अब ये थीटा बाय 2 है, थीटा नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो थीटा मेरे साथ आ जाएगा। 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 5 बाई 3 आ जाएगा, 5 बाई 3 प्लस 4k पाई। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ ये 4 हो जाएगा, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 11 पाई डिवाइड बाई 3 प्लस 4k पाई। अब ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 बाई 3 प्लस 4k पाई, अब 7 बाई 3 प्लस 4k पाई। तो सॉल्यूशन सिर्फ मेरे साथ बन जाएगा 5 बाई 3 प्लस 4k पाई यूनियन 11 5 बाई 3 प्लस 4k पाई यूनियन 5 बाई 3 प्लस 4k पाई अब यूनियन 7 बाई 3 प्लस 4k पाई। ठीक है, तो हमारे साथ सॉल्यूशन मालूम किया पार्ट नंबर 4 का। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 3/4। ठीक है, तो साइन एक्स का इसे डबल एंगल फार्मूले बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 एन 2 अंडर द रूट 3/4। तो ये मेरे साथ डबल एंगल फार्मूला है साइन 2x, साइन 2x बराबर है 2 साइन एक्स कॉस एक्स का, 2 वन जर 2 2 टू जर 4, तो ये मेरे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 3/2। तो 2x हमारे साथ आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो x 2x इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स अंडर द रूट 3/2, साइन में हमारे साथ नीचे अगर 60 डिग्री एंगल हो, 60 मतलब साइन 5/3, साइन 5/3 से अंडर द रूट 3/2 आता है, और इधर हमारे साथ साइन 120 मतलब साइन 120 कौन सी है, साइन 2π/3, इससे हमारे साथ अंडर द रूट 3/2 है, मतलब और थर्ड और फोर्थ में माइनस है तो प्लस वाला हम लेते हैं, एक हमारे साथ पाई बाई 3 और एक हमारे साथ 2π/3, π/3 प्लस 2kπ इसके साथ लिखता हूँ क्योंकि इधर 2x है, और दूसरा ये जो हमारे साथ 2π/3 प्लस 2kπ। अब इधर 2 है x मालूम करने के लिए बोथ साइड डिवाइड बाई 2, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो x मेरे साथ आ जाएगा, अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड कर लो 5/6 आ जाएगा और प्लस ये kπ आ जाएगा, इधर अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ तो ये 5/3 आ जाएगा और प्लस 2 प्लस kπ, 2 ख़त्म हो जाएगा तो kπ आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे साथ बन जाएगा 5/6 प्लस kπ और यूनियन 5/3 प्लस kπ। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे साथ मालूम हो गया, और पार्ट नंबर 6 हमारा पार्ट नंबर 5 हमारे साथ साथ वी आर के बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, पार्ट नंबर 6 हमारे साथ है साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये डबल एंगल फार्मूला है, ये मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0।
या इसमें साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा इंटू टू कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो आर टू कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, या ये मेरे साथ आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, उधर आ जाएगा माइनस वन और बोथ साइड डिवाइड बाई टू तो माइनस वन बाई टू आ जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू, तो थीटा जीरो, मैंने पहले आपको बताया था कि साइन जीरो जीरो है और साइन पाई जीरो है, मतलब जीरो या जीरो और पाई आ जाएगा, और जीरो और पाई में लिख सकता हूँ के पाई, और थीटा मेरे साथ कॉस इनवर्स माइनस वन ओवर टू, तो माइनस वन ओवर टू हमारे साथ अब कॉस में टू पाई बाई थ्री से आता है और फोर पाई बाई थ्री से आता है, टू पाई बाई थ्री और फोर पाई डिवाइड बाई थ्री, तो सोल्यूशन शिफ्ट मेरे साथ बन जाएगा के पाई यूनियन टू पाई बाई थ्री प्लस टू के पाई और यूनियन फोर पाई बाई थ्री प्लस टू के पाई, ठीक है, वी आर के बिलोंग टू इंटीजर्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर हमारे साथ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, नंबर वन टू साइन स्क्वेयर एक्स, टू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब माइनस थ्री साइन एक्स को मैं फैक्टराइज करता हूँ, ठीक है, इस तरह की इसके प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए और इसकी सम से हमारे साथ माइनस थ्री साइन एक्स बन जाए, तो ये मैं लिख सकता हूँ माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स और माइनस टू साइन एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों का अगर मैं ऐड कर लूँ माइनस थ्री साइन एक्स आता है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे टू साइन स्क्वेयर एक्स आता है, अब इन दोनों में टू साइन एक्स कामन है तो अंदर आ जाएगा साइन एक्स माइनस वन, इसमें माइनस वन कामन है तो साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, अब इसमें साइन एक्स माइनस वन और इसमें साइन एक्स माइनस वन कामन है, साइन एक्स माइनस वन इंटू टू साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और टू साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इज इक्वल टू वन और साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन उस साइड पे वन हो जाएगा और बोथ साइड डिवाइड बाई टू तो वन बाई टू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन और एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे साथ पाई बाई टू से वन आता है तो हमारे साथ इसके आंसर पाई बाई टू आ जाएगा और वन ओवर टू हमारे साथ पाई बाई सिक्स से और पाई पाई बाई सिक्स से आता है, पाई बाई सिक्स एक्स की वैल्यू इस एक्स की वैल्यू और फाइव फाइव डिवाइड बाई सिक्स, तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ बन जाएगा फाइव बाई टू प्लस टू के फाइव यूनियन फाइव बाई सिक्स प्लस टू के फाइव यूनियन फाइव फाइव बाई सिक्स प्लस टू के फाइव, ठीक है, तो पार्ट नंबर वन हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर टू सॉल्व करते हैं, तो पार्ट नंबर टू हमारे साथ है कॉस स्क्वेयर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू टू, कॉस स्क्वेयर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू टू, ये कॉस स्क्वेयर एक्स में लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर वन के बराबर है तो इसे ई में लिख सकता हूँ इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू टू, या इसको मैं लिख सकता हूँ इसी में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा, या ये मेरे साथ आ जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई वन से साइन एक्स आता है और माइनस
साइन क्यूब एक्स, ये हमारे साथ टू है, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स माइनस इज इक्वल टू टू, या माइनस साइन क्यूब एक्स और प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये प्लस हो जाए, तो साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अब साइन की वैल्यू माइनस टू है, लेकिन द मिनिमम वैल्यू रेंज हमारे साथ साइन का क्या है, माइनस वन से लेकर वन तक है, इसका रेंज माइनस वन से लेकर वन तक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज माइनस वन एट थ्री पाई बाई टू, और इधर हमारे साथ माइनस टू है, ठीक है। अगर इसको हम चेक कर लेते तो ये भी पाई नहीं होता, अगर इधर मैं ये पुट कर लूँ फूट थ्री पाई बाई टू, ठीक है, क्योंकि थ्री पाई बाई टू पे मिनिमम वैल्यू माइनस वन आती है, इधर माइनस टू है, ठीक है। तो साइन पाई बाई टू माइनस साइन क्यूब पाई बाई टू इज इक्वल टू टू, तो पाई बाई टू, तो हमारे साथ इससे साइन थ्री पाई बाई टू और ये भी थ्री पाई बाई टू, तो इससे हमारे साथ माइनस वन आता है और माइनस माइनस वन इज इक्वल टू टू, तो ये हमारे साथ माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू टू या इज इक्वल टू टू या जीरो इज इक्वल टू टू, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। सो रियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पार्ट नंबर टू है, तो पार्ट नंबर टू का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर थ्री की तरफ जाते हैं, तो थ्री हमारे साथ है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या मैं लिख सकता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और माइनस इस साइड पर लिख लो तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, या इसको तरतीब देता हूँ माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो ये भी लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स आता है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इससे हमारे साथ टू साइन स्क्वायर आता है, ठीक है। अब ये माइनस वन है, ठीक है, इसको अगर मैंने वन माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर प्लस वन है, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया टू साइन स्क्वायर एक्स, ये मैं दोबारा चेक करता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको जब मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये टू साइन एक्स है और ये माइनस साइन एक्स है, ठीक है, और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एग्जैक्ट इसके एडिशन से हमारे साथ ये आता है और इसके प्रोडक्ट से हमारे साथ इसका प्रोडक्ट आता है, तो अब इसमें टू साइन एक्स कामन है तो हमारे साथ अंतर रहता है साइन एक्स प्लस वन, इसमें माइनस वन कामन है तो साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, या साइन एक्स प्लस वन इंटू टू साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, या साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और टू साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अगर साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन हमारे साथ थ्री पाई बाई टू से आता है, साइन थ्री पाई बाई टू से, मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बराबर है थ्री पाई बाई टू, और साइन इनवर्स
वन ओवर टू हमारे साथ अब पाई बाई सिक्स आता है, अवर फाइव पाई बाई सिक्स, मतलब सोल्यूशन शिफ्ट हमारे साथ बनता है थ्री पाई बाई टू प्लस के पाई यूनियन पाई बाई सिक्स प्लस के पाई यूनियन फाइव पाई बाई सिक्स प्लस के पाई टू के पाई। ये भी टू के पाई है, ये भी टू के पाई है और ये भी टू के पाई है, ठीक है। बी एफ के विधायक को एक, ठीक है। तो इसी के साथ पार्ट नंबर थ्री हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर फोर की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है cos 2x plus cos x plus 1 cos 2x plus cos x plus 1 is equal to 0, ठीक है। तो ये cos 2x हमारे साथ डबल एंगल फार्मूला है, तो इस cos स्क्वायर x cos 2x में लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x plus cos x plus 1 is equal to 0। अब इस स्थिति में कास में कन्वर्ट करता हूँ, तो कास स्क्वायर एक्स हम माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह में लिख सकता हूँ वन माइनस कास स्क्वायर एक्स और प्लस कास एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो कास स्क्वायर एक्स माइनस वन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स प्लस कास एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब कास स्क्वायर एक्स प्लस कास एक्स स्क्वायर बराबर है टू कास स्क्वायर एक्स का प्लस कास एक्स अब इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन प्लस वन हमारे साथ जीरो के बराबर है। अब इसमें हमारे साथ कास एक्स कॉमन है, कास एक्स एंड टू टू कास एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो कास एक्स इज इक्वल टू जीरो और टू कास एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स ऑफ जीरो और इधर हमारे साथ कास एक्स आता है माइनस वन बाई टू का, मतलब एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू, तो कास इनवर्स ऑफ जीरो हमारे साथ आता है पाई बाई टू से अवर थ्री पाई बाई टू, मतलब हमारे साथ आता है टू के प्लस वन पाई बाई टू। इससे हमारा ये हमारे टू के इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, अगर इधर मैं जीरो फुट कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा थ्री पाई बाई टू, अगर इधर में माइनस वन फुट कर लो, अगर इधर में वन फुट कर लो, अगर मैं जीरो इधर फुट कर लो तो ये जीरो पाई बाई टू आ जाएगा, अगर इधर में वन फुट कर थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, अगर इधर में टू फुट कर लो फाइव पाई बाई टू सेवन पाई बाई टू इस तरह माइनस में पी, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अगर कास इनवर्स माइनस वन ओवर टू, तो माइनस वन ओवर टू हमारे साथ टू पाई बाई थ्री से आता है और दूसरा हमारे साथ माइनस वन ओवर टू फोर पाई बाई थ्री से आता है, ठीक है। तो सोल्यूशन शीट में लिखता हूँ टू के प्लस वन पाई बाई टू अवर टू पाई बाई थ्री प्लस टू पाई बाई थ्री प्लस टू के पाई अवर फोर पाई बाई थ्री प्लस टू के पाई, ठीक है। तो पार्ट नंबर फोर हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर फाइव की तरफ जाते हैं। फाइव हमारे साथ है वन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टू और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह में लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 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 इन टू और ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में लिख सकता हूँ वन माइनस साइन एक्स डिफरेंस वाला फार्मूला है इन टू वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। बहुत सारे डिवाइड बाई वन माइनस साइन एक्स, तो वन माइनस साइन एक्स और वन माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ रह जाएगा जीरो इज इक्वल टू टू इन टू वन प्लस ये वन रह जाएगा,
वन इज इक्वल टू टू एन टू वन प्लस आर साइन एक्स, या वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है, या साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस वन, या साइन एक्स मेरे साथ रह जाएगा वन बाई टू माइनस वन से माइनस वन बाई टू आता है, तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, साइन में हमारे साथ सेवन पाई बाई सिक्स से आता है और इलेवन पाई बाई सिक्स से आता है, सेवन पाई बाई सिक्स और इलेवन पाई बाई सिक्स, तो सॉल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स प्लस टू के पाई और यूनियन इलेवन पाई बाई सिक्स प्लस टू के पाई, ठीक है, तो पार्ट नंबर फाइव हमारे साथ सॉल्व। ठीक है, वेयर k इज अ इंटीजर, क्या हमारे साथ क्या है k बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, तो पार्ट नंबर, अब हम पार्ट नंबर सिक्स की तरफ जाते हैं, तो पार्ट नंबर सिक्स हमारे साथ है टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय टू सेकंड एक्स, थ्री बाय टू सेकंड एक्स, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स में लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय टू एन टू, थ्री बाय टू एन टू कॉस एक्स, थ्री बाय टू एन टू कॉस एक्स, क्योंकि सेकंड एक्स अब वन ओवर कास के बराबर है, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आता है टू कास एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थ्री कास स्क्वायर एक्स, अब ये भी लिख सकता हूँ टू कास एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल, और माइनस ये इस साइड पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस थ्री कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा टू कास एक्स माइनस टू कास क्यू एक्स, और अगर इसकी जगह में इसकी जगह आसान अगर मेज से का टेंजेंट स्क्वायर एक्स मेरे साथ बराबर है वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर है सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन का, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन का इज इक्वल टू थ्री बाई टू सेकंड एक्स, क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो टेंजेंट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर माइनस वन, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, अब ये इस साइड पे मैं रहता हूँ तो सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बाई टू सेकंड एक्स और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब यहाँ से टू ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टू, तो ये मेरे साथ आ जाएगा टू सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस थ्री सेकंड एक्स और माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये आ जाएगा टू सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस फोर सेकंड एक्स प्लस प्लस सेकंड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब इसमें टू सेकंड एक्स कामन है, टू सेकंड एक्स कामन है, तो इधर मेरे साथ रह जाएगा सेकंड एक्स माइनस टू, इसमें प्लस वन कामन है तो सेकंड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो सेकंड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और टू सेकंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो सेकंड एक्स हमारे साथ आ जाएगा टू और इधर सेकंड एक्स आ जाएगा माइनस वन बाई टू, या अगर इसको मैं इसका रेसिप्रोकल कॉस दे लूं कॉस एक्स तो ये हमारे साथ वन बाई टू हो जाएगा, इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ कॉस एक्स, तो ये
माइनस टू, इसका भी रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ वन बाई टू, क्योंकि कॉस इसका रेंज माइनस वन से ज़्यादा नहीं है, यानी माइनस वन मिनिमम वैल्यू माइनस वन है और इधर माइनस टू है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और कॉस इनवर्स माइनस टू, तो कॉस के हमारे साथ दो वैल्यू माइनस, कॉस इनवर्स ऑफ वन ओवर टू के, कॉस इनवर्स ऑफ वन ओवर टू, तो वन बाई टू हमारे फाइव बाई थ्री से आता है, अबर फाइव फाइव बाई थ्री से आता है, एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री अबर फाइव फाइव डिवाइड बाई थ्री। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ बन जाएगा फाइव बाई थ्री प्लस टू के फाइव यूनियन फाइव फाइव बाई थ्री प्लस टू के फाइव, ठीक है। तो पार्ट नंबर फोर सिक्स हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सेवन की तरफ जाते हैं। सेवन हमारे साथ है थ्री माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, थ्री माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। तो ये मैं लिख सकता हूँ थ्री माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स, भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डबल एंगल फार्मूला है। या इसको भी मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो थ्री माइनस साइन एक्स मेरे साथ आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो थ्री माइनस साइन एक्स बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को मैं इस साइड पे लाता हूँ तो ये माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा प्लस थ्री और माइनस वन, वन इस साइड पे माइनस वन हो जाएगा, तो टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, टू साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब या इस ये मेरे साथ बन जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, माइनस टू हमारा इस मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन के माइनस वन है, तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो पार्ट नंबर सेवन हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब हम आखिरी पार्ट पार्ट नंबर एट की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर एट हमारे साथ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, कंपेयर विद द इक्वेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, सो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन, ठीक है। दैट ए इज इक्वल टू आर कॉस फाई और बी इज इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक है, ये फाई है। तो ए की वैल्यू हमारे वन है तो वन इज इक्वल टू आर कॉस फाई, और बी की वैल्यू वन है तो वन इज इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक है। एड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों को हम ऐड कर ले तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर से टू आता है और इसमें हमारे साथ आर स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इससे हमारे साथ टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमारे साथ वन है, ठीक है। इसका मतलब ये है आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू या आर की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट टू, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी
प्लस माइनस आ अंडर द रूट टू। ठीक है, अब हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, आर कॉस पाई ए, हमारे साथ ये इक्वेशन है ए साइन पाई प्लस बी कॉस पाई इक्वल टू वन। तो ए हमारे साथ बराबर है आर कॉस पाई का, ए हमारे आर कॉस पाई के बराबर है, हमारे साथ इक्वेशन है ए साइन पाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। तो ए की जगह मैं पुट करता हूँ आर कॉस पाई, ए की जगह मैं पुट करता हूँ आर कॉस पाई साइन थीटा प्लस बी की जगह मैं पुट करता हूँ आर साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो आर में कॉमन लेता हूँ और साइन थीटा कॉस पाई प्लस कॉस थीटा साइन पाई इज इक्वल टू वन। आर की वैल्यू हमारे साथ अंडर रूट टू है। ठीक है, और ये मेरे साथ है साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूला है, साइन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू वन, या साइन थीटा प्लस पाई हमारे साथ आता है वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू। ठीक है, साइन थीटा प्लस पाई हमारे साथ आता है वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू। ठीक है, अब हमारे साथ यहाँ से अगर मैं फाई मालूम कर लूँ वन इज इक्वल टू आर कॉस फाई। ठीक है, इससे अगर मैं ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है, तो इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर वन, इससे मैं साइन फाई की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ, आर साइन फाई ये फाई है। ठीक है, डिवाइड बाई आर कॉस फाई इज इक्वल टू वन, आर खत्म हो जाएगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू वन, या फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन हमारे बराबर है फाई बाई फोर का। तो ही में साथ आ जाएगा साइन थीटा प्लस फाई बाई फोर इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू, या थीटा प्लस फाई बाई फोर हमारे साथ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू। तो थीटा प्लस फाई बाई फोर इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अंडर रूट टू, इसकी दो वैल्यू आते हैं फाई बाई फोर फिर आपसे और थ्री फाई बाई फोर, तो फाई बाई फोर और प्लस और थ्री फाई बाई फोर। ठीक है, तो थीटा मेरे साथ बराबर हो जाएगा फाई बाई फोर माइनस फाई बाई फोर, उस साइड पे जाएगा और थ्री फाई बाई फोर माइनस फाई डिवाइड बाई फोर। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी, थीटा जीरो आ जाएगा और दूसरा हमारे साथ इससे हमारा फाई बाई टू आ जाएगा, थ्री फाई बाई फोर माइनस फाई बाई फोर से हमारे साथ फाई बाई टू आता है। ठीक है, तो हमारे साथ सोल्यूशन बन जाएगा जीरो प्लस टू के पाई, जीरो प्लस टू के पाई। ठीक है, और यूनियन फाई बाई टू प्लस टू के पाई। ठीक है, वेयर के बिलोंग टू एंटी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 12.6 कंप्लीट हुआ। ठीक है।